दोस्तों, गर्मियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर को ठंडा रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ताकि गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु को पानी की कमी ना हो, शिशु का उचित विकास हो सके। और आज की प्रेगनेंसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान किस महीने से गर्भवती महिलाओं को नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं को कब नारियल पानी पीना है, कितनी मात्रा में पीना है और कब आपको नारियल पानी नहीं पीना। कहने का मतलब है, गर्भवती महिलाओं को पहले से ही पता होगा कि गर्भावस्था में नारियल पानी पीना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है उनको कि किस महीने से गर्भावस्था में नारियल पानी का सेवन करें। और आज की वीडियो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको इस चैनल में मिलेगी केवल और केवल प्रेगनेंसी से जुड़ी ढेरों वीडियो, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। नारियल पानी एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक है जिसे हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान जरूर पीना चाहिए, और खासकर गर्मियों में। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, और ये सभी तत्व शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है। दोस्तों, हाइड्रेट का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी ना होने देना, और नारियल पानी पीने से गर्भवती महिलाओं को डिहाइड्रेशन नहीं होता, शरीर में पानी की कमी नहीं रहती और गर्भस्थ शिशु की स्किन हेल्दी बनी रहती है। नारियल पानी में फैट की मात्रा ना के बराबर होती है, यानी ये वसा रहित होता है, जिसके कारण इससे गर्भवती महिलाओं का वजन नहीं बढ़ता, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण में रहता है। और नारियल पानी पीने से गर्भवती महिलाओं को थकान नहीं होती, गर्भवती महिला ऊर्जावान बनी रहती हैं। नारियल पानी पीने से गर्भवती महिलाओं की किडनी स्वस्थ बनी रहती है। नारियल पानी में मैग्नीशियम, पोटाशियम और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, और इसका सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब आता है, जिसके कारण मृत कोशिकाएं और बैक्टीरिया पेशाब के जरिए बाहर आते हैं। साथ ही साथ शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स पेशाब के जरिए बाहर निकल आते हैं, और गर्भवती महिलाओं की किडनी स्वस्थ बनी रहती है। नारियल पानी गर्भवती महिलाओं के मूड स्विंग्स को ठीक करता है। जैसे ही गर्भवती महिला गर्भ धारण करती है तो उसके मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी उनके स्वभाव में काफी परिवर्तन आता है। वे चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कई गर्भवती महिलाएं तनाव में चली जाती हैं। ऐसे में यदि नारियल पानी का सेवन किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण गर्भवती महिलाओं का मूड ठीक होने लगता है, उनको तनाव से मुक्ति मिलती है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। जिन महिलाओं को पेशाब करते वक्त जलन, खुजली की समस्या है, जिनको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है, उन गर्भवती महिलाओं को नारियल पानी पीना किसी वरदान से कम नहीं है, यह यूरिन इन्फेक्शन से छुटकारा देता है। प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी पीने से गर्भवती महिलाओं की पाचन प्रणाली बेहतर होती है। नारियल पानी में फाइबर और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं की पाचन प्रणाली को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर गर्भवती महिलाओं को कब्ज नहीं होने देता, उनके पेट को स्वस्थ रखता है। नारियल पानी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो गर्भावस्था में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस, थकान की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं। अक्सर गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी खराब हो जाती है, यानी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है, लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, नारियल पानी अगर आप पीती हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ शिशु के विकास में भी अहम रोल अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में नारियल पानी किस महीने से पीना चाहिए। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही गर्भवती महिला को नारियल पानी का सेवन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पहली तिमाही में शिशु के दिमाग का विकास हो रहा होता है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती महिलाओं को पहले महीने से लेकर
पूरे 9 महीने तक यानी पूरी गर्भावस्था के दौरान आप नारियल पानी पी सकती हैं, लेकिन आपको कब नारियल पानी नहीं पीना और कितनी मात्रा में आपको नारियल पानी पीना है इसका ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले अगर आपको नारियल पानी पीने से एलर्जी है तो भूल कर भी आपको नारियल पानी नहीं पीना। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको नारियल पानी से एलर्जी है? जब आप नारियल पानी पियेंगी या तो आपको उल्टी हो जाएगी या आपको दस्त लग जाएंगे या पेट दर्द होगा या फिर आपके स्किन में छोटे छोटे लाल दाने उभर जाएंगे, तो इसका मतलब है आपको नारियल पानी से एलर्जी है, तब आपको नारियल पानी नहीं पीना। इसके अलावा आपको नारियल पानी ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं पीना। आप एक बार में 1 गिलास नारियल पानी या फिर 1 नारियल का जितना पानी होता है उतना पानी ही पी सकते हैं, और कोशिश करें 1 दिन छोड़ के आप पी सकते हैं। रोजाना नारियल पानी ना पिए, वरना इसमें पोटाशियम होता है और ज़्यादा पोटाशियम भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको ध्यान रखना है। या फिर हफ्ते में 2 बार भी आप नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं और पूरी गर्भावस्था के दौरान नारियल पानी पी सकती हैं। और साथ ही आपको हमेशा ताज़ा कटा हुआ नारियल पानी ही पीना है, फ्रिज में रखा हुआ नारियल पानी कभी ना पिएं। इसके अलावा कभी भी भूरे पके हुए नारियल पानी का सेवन ना करें, इससे आपको कब्ज हो सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान आप खाली पेट भी नारियल पानी पी सकती हैं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।